हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोदो एजुटर भी। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आपके लिए टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन पेज कैसे बना सकते हैं यूजिंग एचटीएमएल ओनली एचटीएमएल। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम जाएंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन पेज बनाने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग तो आप ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आज आपको हम लोग HTML सिर्फ ये बना के दिखा रहे हैं आप कैसे टेक्निकली डॉक्यूमेंटेशन पेज बना सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो यहाँ जब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ओपन विथ कर देंगे टू चैनल ऐप, नीचे जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के साथ अब आपको करना क्या है, जब आपका इतना हो जाए तो आपको इरेज करके सेव कर देना है। अब यहाँ पे आपको जाना है, फिर यहाँ पे इधर से एक और फाइल खोल देनी है, फिर यहाँ पे आपको HTML लिख देना है। HTML लिखने के बाद आज यहाँ पे आपको एंटर प्रेस लिंक लिंक आपको दे देना है, किसी का भी नहीं लेना। और फिर यहाँ पे आपको जाना है ऊपर एंटर एंटर नेव आईडी फिर भी नेव बार एंटर हैदर हैदर आपको दे देना है आईडी नेव हैशटैग नेव टाइटल टाइटल आपको दे देना है H1 टाइटल पे आपको देना है CSS डॉक्यूमेंटेशन। जब आपका इतना हो जाए नीचे जाना है यूएल लिखना है एंटर LIA आपको दे देना है क्लास क्लास नेव लिंक एचरेफ एक्टिव। और फिर आपको इधर भी लिख देना है एक्टिव कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। अभी मैं थोड़ी देर के लिए फुल स्क्रीन एक्टिव। अब यहाँ पे आपको लिख देना है चेक फिर आपको शेयर आना है, फिर आपको इधर लिख देना है डिफॉल्ट फिर पेज। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डिफाइनिंग फिर यहाँ पे आपको जाना है, फिर यहाँ पे आपको इसे एज एज करना है पेस्ट। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है प्रो जैक इन फॉर इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और फिर यहाँ पे आपको लिखना है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। और फिर इतना करने के बाद जाएंगे आपको एंटर एंटर मेल आईडी फिर भी मेल डॉक एंटर सेक्शन क्लास क्लास फिर भी मेल स्लैश सेक्शन आईडी एक्टिव एंटर हेडर एचआर एक्टिव। और फिर एंटर एचआर एंटर पी हियर वी कैन राइट लाइक आई विल गो टू द गूगल एंड गो हियर इंस्पेक्ट पैराग्राफ कॉपी दैट
and pay debt. So tell your mom and Kishan, so we can, I go to the town. Here we can go. Copy that. Paste. Copy. Paste. Sorry, here we get copy. Copy, paste. Like paste 48, and here we can write like the active should be now copy that also. Now like here we can go. We can go here down. Sorry, erase it all. Erase it now. Now copy and erase that. Paste. Then save. Then go. Then refresh. Till your work is done. So go to the down. And now we can go to the up. And now go to the up. अब आपको करने क्या है enter. Code आपको दे देना है active. एक्टिव आपने दे दिया, फिर आपको एंटर करना कोड, फिर से आपको अब कोड देना है यहाँ पे ये, और ये हमने आपने कर दिया. अपन मेन सेक्शन, मेन सेक्शन आप यहाँ पे आपको लिख देना है स्टाइल. आप यहाँ पे HTML कॉमा बॉडी एंटर. Font family should be Monsirat Amar San Sheriff. Enter. Height 100%. Margin 0. Enter. Code. Enter background. Color should be F5. Enter. Display should be block. Enter. Width 100%. Margin 0. Auto. Enter. Font size. Font size 20 pixels. Now the layer work is done. So here we can erase it. और फिर आपको इसके नीचे जाना है. फिर मैं क्या करता हूँ, अब लिखता लिखता हूँ dot main section. Section header. Enter font size. Font size should be 24 pixels. Enter header. Header should be font weight bolder. Hashtag navbar H1. Color should be white. Enter. Text align should be center. Select trans
that transforms will be uppercase. Enter dot. Main slash section. Header. Enter, and here we can write color. Color should be 36818. Enter. Text align center. Enter. Name UL. List style should be none. Font size 20 pixel. Enter. So now here till I am working done. So here you can write nav UL LIA. Enter color white. Enter text decoration should be none. Enter border bottom should be 2 pixels solid white. Enter hashtag navbar width 20%, height 100%, enter, position, fix it, enter, border, right, should be 5 pixels, solid, 36818F. Now, अब आपको करना है फिर आपको enter press background color F2 3 enter hashtag main that main doc. Enter width 80%. Enter height auto position absolute. Enter right 0. Enter dot main section. Enter press. And here we can write width 90. Intel display should be block. Margin 0. Auto 20 pixels. Hashtag media max width 500 pixels. H1 font size should be 18 pixels. Save, refresh. So here you can see it. It is built it. Now first of all, wait. Save, then refresh. It is there, real. जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये जो अभी हम लोग ने शुरू शुरू में दिखाया था, जो अभी हमने बनाया है, अभी ये थोड़ा बना नहीं है, अभी थोड़ा ऐसा बनाना है हमें, अभी हमारा इतना बना है। तो चले आइए, अब हम लोग नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जाना है एंटर एच आर कलर 36818F. Enter border 3 pixels solid 36818F. Enter margin top minus 10 pixels. Save, then refresh. तो आप ये देख सकते हैं हमारा सब कुछ हो चुका है, बट जो फॉन्ट का मसला आ रहा है हमारा, तो हम लोग फॉन्ट अच्छा से दे देते हैं। ए अमाउंट सीरियस हमने दिया है, अब ये अमाउंट सीरियस में हो नहीं रहा, तो अब देखते हैं अमाउंट सीरियस चल जा रहा है। सेव, देन रिफ्रेश। चले अमाउंट सीरियस हो तो गया, सेव, लेकिन हमें ऐसा फॉन्ट चाहिए। अब ऐसा करते हैं, हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं।
अब हम इसका फोन यहां से ले लेते हैं। ये रहा फोन, फोन का लिंक मैंने कॉपी कर लिया, लिंक कॉपी किए। ओके, अब आप कोई सा भी फोन देखते हैं, मैंने मॉन्सी रेड दिया हुआ था अभी, तब मैं फोन का लिंक पेस्ट कर दिया। अब मैं सेव करूंगा, अब सेव करूंगा, अब रिफ्रेश करता हूँ तो ओ नीरा हमारे एकदम लोग चेक करते हैं तो इंस्पेक्ट पे फिर गए। अब ये हमें हेड पे नीचे इधर नीचे गए, फिर हेड के नीचे लगाना है आपको। कॉपी हेड के नीचे पेस्ट, और अब सेव सेव रिफ्रेश। तो ऐसा करते सबसे पहले मोहन शीरत का फोन हटा दे। अब सेव, अब रिफ्रेश, अब तो ये फोन ही चला गया। सेव देन रिफ्रेश, तो आप ये देख सकते हैं ये अब हमारा बन चुका है। अभी देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा पतला कर दूं, तो अभी देख सकते हैं हमारा बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।